ये कोई इंक्वायरी ही तो नहीं है इस कंट्री में, मुख्य कानून हो गया है। आते आते और तीन फेज में इस देश में कितने जवान शहीद होंगे और जवानों के शहीद पर कितनी राजनीति होगी ये तो भगवान जाने, लेकिन देश सुरक्षित नहीं है और ना ही सुरक्षित हाथों में। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दे बचे नहीं। अब कोई रास्ता मुझे लगता है कि जो चार फेज का चुनाव हुआ है ना, उसमें अब इनके पास कहने के लिए बचने के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा। जो फेज अब बचा हुआ है वो मुझे लगता है कि इस देश को बचाने वाले लोगों की संख्या, संस्थाओं को, इंसानियत को और मानवता को बचाने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक है। तो अब आप, हो सकता है आपको और हमले देखने को मिल जाए। ये हमले चुनाव में और चुनाव के पहले वोटरों पर हलचल, 370 और कई सारी चीज़ें इसी वक्त याद आती है। ये तो जांच का विषय, अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ।